बहर बहनों, ये रागनी भक्त पूर्णमल के किस्से से कि जब राजा श्यालभान महल के अंदर जाते हैं और रानी निराले अंदाज में मिलती हैं, कोप भवन में लेटी हुई हैं, पूर्णमल पर दोष किस तरह से धर देती है, क्या क्या कहती है, कैसे इल्जाम लगाती है इस आमने सामने की रागनी, उपला तले की रागनी महारानी। हाँ महाराज, ये कैसा बहस बनाया है तुमने? अगर इसके बारे में ना ही पूछो तो ही अच्छा है। ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया जो हमारी इज्जत के ऊपर उतारू हो जाए? दुश्मन की इतनी हिमाकत कहाँ कि हमारे सामने नजर भी उठा के बात करे। फिर क्या हुआ? ये तो तुम्हारा जो अपना लाडला, तुम्हारा अपना बेटा पूर्णमल, ये सारी गुस्ताखी उसने की। नहीं, ये सरासर झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रही। एक बे, कोप भवन में आप जो लेटी हुई हो, खड़ी होकर के सारी बात बताओ। बिल्कुल नहीं। सुनिए मेरी बात, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, ये रे ऊठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार, तेरे ते में बोलिया ना चाती। अच्छा नहीं लगता, मेरा जति बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता।
धरती फट चुकी हो। मेरा कलेजा कांपता है, मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता। मेरा पूरनमल नेक है, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। अपने पूरनमल की गेला मोजता रहिए, मैं पड़ जाएंगे तो कुएं झेरे में जाके। सुन ले मेरी बात। अगर तुम अपने